कृष्ण, मैं हर्षिता, हर्षिता हरीश की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी बारिश का मौसम भी, काफ़ी बारिश भी हो रही है, ठंड हो रही है, तो हम लोग लगता है गर्म गर्म झटपट कोई डिश बनाई जाए और खाई जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए मैं कुछ न्यू चीज़ लेके आऊँ। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मक्के के ढोकले व कढ़ी। ये राजस्थानी डिश है, हम मालवा के लोग काफ़ी इसे बनाते हैं। ये बनती बहुत जल्दी है और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ इसमें ढोकले के लिए, मक्के के ढोकले में क्या क्या लगेगा। हमने इसमें आधा किलो मक्के का आटा लिया है, 200 ग्राम ये कटी हुई धुली हुई मेथी रखी है मैंने, तिल्ली, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, काला नमक, सादा नमक, हींग। ये हमें ढोकले के लिए चीज़ें लगेगी। जो कढ़ी बनाएंगे हम उसके लिए लगेगा दही, बेसन, राई, जीरा, ये है मेथी दाना, हरी मिर्च, अदरक, ये खड़ी साबुत लाल मिर्च, लहसुन, 2-3 लौंग, मीठी नीम और ये घी। अब मैं आपको पहले बताती हूँ ये ढोकले का आटा कैसे लगाते हैं। हमने एक डोंगे में ये आटा डाला, ये आटा लिया, इसमें हमने ये मेथी डाल दी, मेथी डाली, हल्दी पाउडर डाला इसमें 1 चम्मच, लाल मिर्च डाली हमने 2 चम्मच। ये अच्छा टेस्टी बनते हैं काफ़ी। काला नमक तो डालना ही है क्योंकि गैस करेगा मक्का है, तो सादा नमक स्वाद अनुसार वैसे 1 चम्मच इसमें लगेगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1 चुटकी हींग डाल दी। अब हम मैंने जो गुनगुना पानी बताया था आपको लास्ट में टिप्स में, इसे गुनगुने पानी से लगाएंगे तो काफ़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छे ढोकले का आटा लगेगा। इसमें हमें तेल का मोन भी डालना है, इसमें मैंने आधी छोटी कटोरी ये तेल डाला है। ये गुनगुने पानी से हम इसका ढोकले का आटा लगा रहे हैं। इसमें हींग डालना, काला नमक डालना मक्के के आटे के लिए लगाने के लिए अच्छा होता है, गैस नहीं करती है। और ये ढोकले सुबह के टाइम खाएं तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि बहुत ही टेस्टी डिश होती है ये। देखिए ये हमने आटा इसका लगा लिया मक्के का, इसको हम ऐसे इस टाइप से ढोकले बनाएंगे, मक्के के ढोकले इस टाइप से ऐसे हम ये बना बना के रखते जाएंगे। ये इस टाइप से भी बनाते हैं और नहीं तो आप इस टाइप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे बाफले बाटी हम लोग बनाते हैं ऐसे किया इसको, और बीच में से ऐसा गोला बना के ऐसे भी आप बॉईल कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। अब आपको जैसा जमे। देखिए हमने ढोकले बना के रख लिए। इधर मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल गर्म करने रखा है, जो उसमें बॉयल आ गया है उसके बाद में हमें ढोकले डालने हैं। जैसे हम बाफले को बॉयल करते हैं उस टाइप से इनको करना रहता है। ये ऊपर आएंगे तब आप समझना कि कुछ बनने लगे। वैसे अब आप देखते कैसे बनते हैं ये देखिए, इसमें बॉयल आ रहा है, ये हमारे मगर ढोकले बन रहे हैं। इधर हम जब तक कढ़ी का बघार लगा रहे हैं, कढ़ी में अगर आप घी का बघार लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ी। इसमें हमने 2 टेबल स्पून घी डाला, देखिए इसमें हमने आधी चम्मच राई डाली, 1 चम्मच जीरा डाला। जो मेथी दाने होते हैं कढ़ी में डालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, कच्चे ही मेथी दाने ये। इसमें आधी चम्मच हमने मेथी दाने डाले, कढ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हमने जो ये लौंग ली थी 2-3 ये लौंग डाली, मीठी नीम डाल रहे हैं, लाल मिर्च साबुत मिर्च वो डाल रहे हैं, हम कढ़ी का बघार लगा रहे हैं। और जो हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का जो मैंने बताया था, इन तीनों को मिक्स में पीस लिया हमने और वो हमने इसमें डाला। अब इसको थोड़ा सा हम सोत लेंगे, थोड़ी सी हींग डाली हमने, मैं इसको थोड़ा सा गुलाबी होने तक हमको इसको सोतलना है। और जो मैंने आपको बताया था दही बेसन, उसकी स्टेप्स हमने ये ऐसे मिक्सी में दही बेसन को पीसा, उसमें पानी डाला, इसमें भी 1 लीटर करीब हमें पानी लगेगा। देखिए मसाला ये हल्का हल्का गुलाबी हो गया, इसमें हमने पानी डाला। जी अब हमारी कढ़ी बॉईल होने वाली है, हो रही है इधर, इसमें हमने ये मसाला इसमें डाल दिया। अब हम इसमें नमक डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें सादा नमक डालेंगे 1 चम्मच और काला नमक डालेंगे थोड़ा सा। ये हमारी कढ़ी अब बॉईल हो रही है और इधर हमारे ढोकले बॉईल हो रहा है। देखिए कढ़ी ढोकले एक साथ ही आपके रेडी हो जाएंगे। ये बनने आ रहे हैं तो ये ऊपर आ चुके हैं, देखिए जब हमने डाले थे तब नीचे थे, अब ये उसमें उबाली आई है
और ये बनने लगे हैं करीब करीब, तो ये ऊपर आने लगते हैं, मतलब समझ लो कि बनने लगे हैं। देखिए बॉईल आया, ऊपर आने लगे थोड़े, और ये थोड़े थोड़े फूल जाएंगे, मतलब इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे बॉईल होने में। और देखिए कैसे फूल गए ये हमारे ढोकले, कड़ी ढोकले हम आज बता रहे हैं, ये वाला देखिए ये सारे बॉईल हो गए बराबर, हमें इसे 15 मिनट लगे हैं। और इधर जब तक हमारी ये कड़ी भी बन रही है, ये टोटल ये डिश बनाने में 25 मिनट लगते हैं बनाए, उनके ऐसे मैंने पीस करके रखे हैं। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ, जो हम कड़ी ढोकले खाते हैं वो जो ढोकले रहते हैं सादे रहते हैं, सिर्फ उसमें तेल डाल के खाते हैं। अब मैंने थोड़े पहले पीस कट कर लिए, और अब मैं इसका बघार लगा रही हूँ। एक कढ़ाई में हमने तेल डाला, उसमें राई डाली, और जो तिल्ली मैंने ली थी उसका उपयोग अब आपको बता रही हूँ कि कितने टेस्टी हमारे ढोकले बनेंगे। थोड़ा सा जीरा डाला, जो तिल्ली ली थी हम एक चम्मच इसमें तिल्ली डाल रहे हैं। कितने स्वादिष्ट अब हमारे फ्राई वाले ढोकले बनने वाले हैं। अब इसमें हमने मीठी नीम डाल दी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, अब इसमें लाल मिर्च डाली, सीखा धनिया डाला एक चम्मच, और ये जो कट करके रखे हैं ढोकले अब हम इसमें ये डाल देंगे। ये इतने स्वादिष्ट लगेंगे, ये दो तरीके से आप खा सकते हैं, फ्राई करे हुए और ऑयल वाले। देखिए हमारे कड़ी ढोकले रेडी है। अब जो ये ढोकले बनाए थे गोल वाले, इसमें ये गर्म बिल्कुल बॉईल किया हुआ तेल डालेंगे इस टाइप से। ये हमने जो ये बॉईल किए वाले हैं, इसमें अच्छा गर्म हमें तेल डालना है इस टाइप से। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये तेल गरम करा हुआ डालते हैं इस टाइप से भी। इसको इसको खास वैसे ऐसे ही खाया जाता है बॉईल करके, और ये ऑयल गरम करके इसमें डालते हैं। और ये जो हमारा फ्राई किए हुए हैं, ये मैंने आज बनाए हैं आप लोगों के सामने कड़ी ढोकले, और मूली इसके साथ खाओ, ठंड का तो स्पेशली ये डिश ही हमारी बहुत जल्दी बनने वाली फटाफट फेवरेट डिश हमारी कड़ी ढोकले। और आज की मेरी टिप्स भी यही है, जो ये ढोकले मैंने बनाए हैं हर कोई ऐसे ही खाते हैं। आज की टिप्स में आप ये अगर फ्राई करके खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। कड़ी ढोकले, मक्के के ढोकले और कड़ी, ये मेरी ठंड की विशेष पसंद रहती है। ठंड में ये हमारे कम से कम 4-5 बार बनती ही बनती है, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है कड़ी ढोकले। मुझे फ्राई करे हुए पसंद है, कच्चे तो ऐसे कोरे खा लो इतने बढ़िया शानदार, मतलब अब शुरू हो गए जी। जय श्री कृष्ण, फिर कुछ लेके आती हूँ।